आप सभी को दिवाली पावन पर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। हिंदू परंपरा का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली देश में सबसे पहले महाकाल मंदिर में मनाया गया। गुरुवार तड़के भस्म आरती में महाकाल को गर्म जल से स्नान कराया गया। पुजारी परिवार की महिलाओं ने भगवान को केसर चंदन इत्र का उपटन लगाया। अन्नकूट का भोग भी लगाया गया। फुलझड़ी जलाकर रूप चौदस और दीपावली की शुभकामनाएं की गई। वहीं दीपावली के स्वागत के लिए मध्य प्रदेश एक दिन पहले 30 अक्टूबर को पूरी तरह जगमगा उठा। आपको बता दें कि गली मोहल्ले शॉपिंग मॉल से सरकारी गैर सरकारी बिल्डिंग्स पर रंग बिरंगी लाइटिंग है। वहीं आसमान में आतिशबाजी और जमीन पर दियो जालरों की रोशनी है। इस बार 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दोनों दिन दीपावली होने से लोगों को जो है खुशियों का डबल डोज मिला है। आपको बता दें कि उज्जैन में महाकाल मंदिर के अलावा मध्य प्रदेश की अयोध्या यानी ओरछा में रामराजा मंदिर समेत राज्य के दूसरे मंदिरों पर अलौकिक अतुलनीय छटा बिखरी है। वहीं राजधानी भोपाल की रंगत देखते ही बन रही है तो अहिल्याबाई की नगरी और प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर समेत जबलपुर ग्वालियर भी पीछे नहीं है। पुजारी महेश शर्मा द्वारा बताया गया है कि 4 बजे भस्म आरती के दौरान स्नान के बाद महाकाल का दूध दही घी शहद और फल के रस से बने पंचामृत से अभिषेक पूजन किया गया। कार्तिक मास के 14 से ठंड की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए महाकाल को गर्म जल से स्नान कराया गया। आज से महाशिवरात्रि तक भगवान गर्म जल से ही स्नान करेंगे। पुजारी द्वारा बताया गया है कि रूप चौदस होने के चलते भगवान को पुजारी परिवार की महिलाओं ने सुगंधित द्रव्य से बना उपटन लगाया। वही भगवान के श्रृंगार के बाद भोग के रूप में अन्नकूट अर्पित किया गया। इसमें धान खाजा शक्कर पारे गुंजे पापड़ी मिठाई समेत भोग की थाली में मूली बैंगन सब्जी अर्पित की गई। इसके बाद दिव्य भस्म आरती की गई, साथ ही फुलझड़ी जलाकर दिवाली का पर्व मनाया गया।